आप नींद में कई नकारात्मक चीजों या सकारात्मक चीजों को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत आसान है, बस नींद की साधना। तो एक अलार्म से अचानक जागना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। आप में से कितने लोग किसी दिन सुबह उठने के बाद बेवजह बहुत बुरा महसूस करते हैं, बिल्कुल बेवजह। अगर साल में कम से कम 2-3 बार भी ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो आपको सोने से पहले कुछ चीजें करनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप नींद में कई नकारात्मक चीजों या सकारात्मक चीजों को बढ़ा सकते हैं। आप नींद में सुखदता या अप्रियता को बहुत कुशलता से बिना रुकावट के बढ़ा सकते हैं। आप दिन में भी उन्हें बढ़ा सकते हैं, पर कई रुकावटें होंगी, वो बहुत कुशलता से नहीं होता। पर अगर आप किसी निश्चित तरह से सोने जाते हैं और सुबह बहुत बुरा महसूस करते हुए उठते हैं, बिल्कुल बेवजह, तो मतलब आप रात में बहुत कुशलता से चीजों को सेते हैं, खराब अंडों को। बात सिर्फ मानसिक अशांति की नहीं है, ये समय के साथ बड़ी शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि आप इन चीजों को अपने जीवन से हटाएं। तो रात को सोने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मांस और वैसा भोजन करते हैं तो उसे सोने से कम 3-4 घंटे पहले खाएं, ताकि पाचन पूरा हो जाए। सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर सोने जाएं। आप देखेंगे कि इसी से वो ठीक हो जाएगा। एक आसान चीज की जा सकती है, वो है स्नान। हमेशा सोने से पहले नहाएं, इससे काफी फर्क पड़ता है। इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है, तो आप गुनगुने पानी से नहाएं। रात को गर्म पानी से न नहाएं, गुनगुना पानी लें। यह आपको सजग बनाता है। आप सोचेंगे, अरे मैं सो नहीं पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद सोएंगे, मगर नींद बेहतर आएगी, क्योंकि इससे कुछ चीजें हट जाएंगी। जब आप नहाते हैं तब सिर्फ त्वचा की गंदगी नहीं हटती। क्या आपने देखा है, जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है मानो बोझ लगभग उतर गया हो। क्या आपने ये नहीं देखा है? तो ये सिर्फ त्वचा की सफाई नहीं है, पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीजें होती हैं। स्नान एक बहुत बुनियादी भूत शुद्धि है, क्योंकि आपका शरीर 70% से अधिक पानी है। अगर आप उस पर पानी गिराएं तो एक तरह का शुद्धिकरण होता है, जो त्वचा की सफाई से परे है। एक और चीज अगर आप करना चाहें, आप बस एक जैविक तेल का दिया जला लें, रुई की बाती और कोई भी तेल। यहां आप क्या इस्तेमाल करते हैं? साधारण खाने का तेल, लिनसीड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल या तिल का तेल। आपके पास क्या है? ऑलिव ऑयल, ठीक है। रुई की बाती के साथ कोई भी जैविक तेल लेकर एक छोटा दिया उस कमरे में कहीं जला लें जहां आप सोते हैं। आप देखेंगे कि ये चीजें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अगर आप कोई मंत्र जप सकें या सोने से पहले रात को योगाभ्यास कर सकें तो बिस्तर पर बैठकर उसे करें। अगर आप ईशा क्रिया करना चाहते हैं तो वो नेट पर उपलब्ध है। आमतौर पर भारत में आपसे कहा जाता है कि सोते समय अपना सिर उत्तर दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। आपको पता है, अगर आप रात में उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, जब आप लेटे हुए होते हैं तो धीरे धीरे खून आपके दिमाग की ओर बढ़ने लगेगा। When there's too much circulation in the brain, you cannot sleep peacefully. जब दिमाग में रक्त संचार बढ़ जाएगा तो आप शांति से नहीं सो पाएंगे। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की भीतरी कमजोरी है
या आप अधिक उम्र के हैं तो आप नींद में मर सकते हैं। हेमरेज हो सकता है क्योंकि ज्यादा खून दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, जहां खून की नसें बाल जैसी होती हैं और चुंबकीय शक्ति कुछ ज्यादा खून भेजती है। सीधे खड़े होते समय ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप लेटते हैं, सिर की ओर यह खिंचाव इतना तीव्र होता है कि खून धीरे धीरे दिमाग की ओर जाने की कोशिश करता है। तो इससे बचने के लिए, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के लिए है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आपको सिर दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए। अगर आप भारत में हैं तो आपको सिर उत्तर की ओर नहीं रखना चाहिए। आप उसे और किसी भी तरह रख सकते हैं, वो ठीक है। इसे अपने मन में रखें कि आप सच में नाशवान हैं, ठीक है? सिर्फ शब्दों में नहीं, सच में। आप अभी मर सकते हैं। आप युवा हों या बूढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी मर सकते हैं। आया ना? सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर सोचें कि यह आपकी मृत्यु शैया है। आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनट और है। पीछे मुड़कर देखें कि आपने आज जो किया, क्या वो सार्थक है? सिर्फ ये आसान अभ्यास करें और आप नहीं जानते कि ये असल में कब होगा। आप मृत्युशैया पर बैठे होंगे या अस्पताल में लेटे होंगे और कई तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी। किसे पता वो कैसे होगा, पर रोज इसका आनंद लें कि आप अपनी मृत्युशैया पर बैठे हैं। पीछे मुड़कर देखिए कि आज मैंने इन 24 घंटों में जो किया है, क्या वो सार्थक है, क्योंकि अब मैं मर रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। तो रोज रात को सोने से पहले आप सभी को ऐसा करना चाहिए। आखिरी 3 मिनट जो भी चीजें आपने इकट्ठा की हैं, शरीर, मन की बातें, चीजें, छोटी चीजों को अनदेखा मत कीजिए। ये छोटी चीजें बड़ी चीजें हैं। मैंने देखा है कि कैसे लोग अपना तकिया भी लेकर चलते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका तकिया, आपकी चप्पल, अगर आपके रिश्ते हैं, सब कुछ जो आपने इकट्ठा किया है, उसे एक और रखकर सोइए। अगर आप इस स्थिति में सोएंगे तो आप अधिक रोशनी, अधिक ऊर्जा और आपकी कल्पना से भी अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे। बस जीवन के रूप में सोइए, पुरुष या स्त्री के रूप में नहीं, इस या उस रूप में नहीं। सब कुछ नीचे रख दीजिए, बस। ये बहुत आसान है, सिर्फ नींद की साधना। कम से कम इतना आपको करना चाहिए। तो आप जैसी ध्वनियों में जागते हैं, वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेंगी। तो एक अलार्म से अचानक जागना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा होगा कि अगर आपकी नींद, जिस तरह का भोजन आप करते हैं और जिस तरह के विचार और भावनाएं अपने अंदर रखते हैं, और आपने अपने शरीर में जीवंतता का जो स्तर बनाए रखा है, उससे तय होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत है। मान लीजिए आपको 8 या 12 घंटे की नींद की जरूरत है। मैंने गलत संख्या बोल दी। आपको जितनी भी नींद चाहिए, आप अपनी जरूरत जानते हैं। So you go to bed early enough. तो पर्याप्त जल्दी सोने चले जाएं, ताकि आप अपने आप जाग सकें। अगर आप खुद जागते हैं और मान लीजिए आपको संदेह है कि आप जाग पाएंगे या नहीं, तो अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर आप किसी वैराग्य मंत्र से जुड़ गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय, जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है, जो शरीर में जीवन भरता है। ये ना हो तो कुछ नहीं होगा। ये बाईं तरफ से शुरू होता है। तो आपको पता है, भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें तो आपको दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। बताया है? अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे तो आपके साथ खराब चीजें होंगी। खराब चीजें उस तरह नहीं,
जब आप आराम की स्थिति में होते हैं, जब शरीर आराम में होता है तो मेटाबॉलिक क्रिया धीमी होती है, जब आप उठते हैं तो सक्रियता में एक उछाल आता है। इसीलिए भारत में कहा जाता है, देखिए ये चीजें जीवन का हिस्सा थीं, इन्हें आप छोड़ रहे हैं। जीवन का पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था। आपसे कहा गया कि सुबह जागने से पहले अपनी हथेलियां आपस में रगड़कर ऐसे देखना चाहिए। Not see like this, you must place it upon your ass. देखना नहीं, आपको उसे अपनी आंखों पर रखना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आपको भगवान दिखेंगे। ये भगवान देखने के बारे में नहीं है। अगर आप इन दोनों को साथ रगड़ेंगे तो सभी नसों के सिरे आपके हाथों में ढेर सारी नसों के सिरे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर तुरंत जाग जाता है। अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसा करके देखिए, सब कुछ जागृत हो जाता है। तो सुबह शरीर को हिलाने से पहले आप उसे जगाइए और फिर इसे अपनी आंखों पर रखिए। तुरंत आपकी आंखों और आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी नसें जागृत हो जाएंगी। शरीर के हिलने से पहले शरीर और दिमाग को जागृत होना चाहिए, इसके पीछे यही मकसद है, समझे? तो आप ऐसा कीजिए और फिर अपनी दाहिनी ओर करवट लेकर उठिए। आज अगर हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग 2.5 लाख लोग नहीं जागेंगे प्राकृतिक मृत्यु के कारण। मान लीजिए आप कल सुबह जागे, आपकी गारंटी है? क्या आप गारंटी कार्ड के साथ आए? कोई गारंटी कार्ड नहीं। तो मान लीजिए आप जाग जाते हैं, बस इतना कीजिए, मैं बता रहा हूं यह आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है। कल सुबह जब आप जागे तब जांचिए आप वाकई जगे हैं या मर गए। अगर आप जगे हैं तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है। आपको उठकर नाचने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं कि अब भी जीवित हैं। 2.5 लाख लोग मर गए, वो आपकी और मेरी तरह थे। They went off, isn't it? उड़ गए है ना, कहीं भी देखिए वो नहीं मिलेंगे। यहां मैं अब भी जीवित हूं। एक बड़ी मुस्कुराहट आप देंगे? मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूं। अगर 2.5 लाख लोग मर गए तो कम से कम 30 से 50 लाख लोगों ने अपना कोई प्रियजन खो दिया। आप उन 3, 4, 5 लोगों को देखिए जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सभी आज जिंदा हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट देंगे या नहीं? जिंदा। अगर मान लीजिए अभी हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं, क्या आप राहत महसूस करेंगे? नहीं, आप डर जाएंगे, है ना? तो जीवित होना इतना कीमती है कि नहीं? आपका जीवित होना इतना कीमती है। तो कल सुबह 2.5 लाख लोग रात में मर गए, मगर आप अब भी जीवित हैं। क्या इसके लिए कम से कम एक बड़ी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए? और सभी लोग जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सब आज जीवित हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट।